हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ख्याति सेठी। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट। आई होप यू आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, वेयर इज साइंस टेकिंग अस, विच इज़ रोट बाय डॉक्टर SW पेनिकविक। सो गाइज, इससे पहले हमने डिस्कस की थी बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी, द हैप्पी प्रिंस, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट आई विल टेल यू समथिंग। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया है और उसके मीनिंग भी मैंने हिंदी में साथ ही लिखे हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो गाइज, लेट स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, वेयर इज साइंस टेकिंग अस। वेन मैन फर्स्ट बिगेन टू थिंक, ही आस्क्ड हिमसेल्फ द डीपेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, अ क्वेश्चन विच यू हैव अनडाउटली आस्क्ड योर सेल्फ मैनी टाइम्स। वट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? वट इज़ इट ऑल अबाउट? वेयर आर वी ऑल गोइंग? वट ड्राइव्स एवर फॉरवर्ड टू वर्क एंड वरी? जब मनुष्य ने पहली बार सोचना शुरू किया था, तो उसने सभी क्वेश्चनों में से सबसे डीपेस्ट जो क्वेश्चन था वो अपने आप से पूछा था। निश्चित रूप से ही, अनडाउटली, यानी कि बेशक ही, आप भी वो क्वेश्चन अपने आप से कई बार पूछते होंगे। क्या क्वेश्चन था वो? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ क्या है? इसका अर्थ क्या है? जो ज़िंदगी है, इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? ये किसका विषय है ज़िंदगी, जो ये किसका सब्जेक्ट है? वेयर आर वी ऑल गोइंग? हम जो लोग हैं, हम जा कहाँ रहे हैं? व्हाट ड्राइव्स एवर फॉरवर्ड टू वर्क एंड वरी? ये जो वर्क है, काम है, वरी चिंता है, इसके प्रति कौन सी चीज़ हमें प्रेरित करती है? काम के प्रति, चिंता के प्रति ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें आगे की ओर बढ़ाती है, आगे की ओर हमें प्रेरित करती है? एंड नाउ देयर दिस अदर बिग क्वेश्चन, अ नियर क्वेश्चन विच इज़ बिगनिंग टू फोर्स इट सेल्फ इन टू अवर नोटिस, वन दैट इज़ नॉट एजिस ओल्ड, दैट हैज़ नॉट बीन विद अस सिंस मैन फर्स्ट बिगेन टू थिंक, इट इज़ वेयर इज़ साइंस टेकिंग अस। सो क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि अब हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, एक नया क्वेश्चन आ रहा है जिसकी ओर हम ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, पर ज़बरदस्ती हम उसको नोटिस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और वो जो क्वेश्चन है वो इतना पुराना भी नहीं है कि जब से मनुष्य ने सोचना शुरू किया कि वो तब का क्वेश्चन हो। और ये जो क्वेश्चन है, ये आखिर में है कौन सा क्वेश्चन? वो क्वेश्चन है वेयर इज़ साइंस टेकिंग अस, जो विज्ञान है वो हमें कहाँ ले जा रहा है। ठीक है गाइज? सो गाइज, ये जो चैप्टर है, थोड़ा सा डीप चैप्टर है, आपको ध्यान से इसको पढ़ना होगा। आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़ोगे, अगर आपको एक एक लाइन का मीनिंग समझ आएगा तो आपको ये चैप्टर ईजी लगने लगेगा। सो गाइज, इसीलिए मैंने जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो लिखे हैं, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से इस चैप्टर को रीड आउट कर सकोगे। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन अपने आप आने लगेंगे। सो आगे देखते हैं। फर्स्ट, वेयर इज साइंस टेकिंग अस विद रिगार्ड्स टू एथिकली एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। पहली बात तो ये है, जो साइंस है वो हमें एथिकली यानी कि नैतिक एंड स्पिरिचुअली यानी कि आध्यात्मिक जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, उनके गुण हैं, उसके विषय में हमें लेके कहाँ जा रही है जो साइंस है? वी नो व्हाट इट इज़ डूइंग विद रिगार्ड्स टू मटीरियल थिंग्स, फॉर मटीरियल थिंग्स आर इट्स डेली बिजनेस, बट व्हाट इज़ इट डूइंग विद रिगार्ड्स टू नॉन मटीरियल थिंग्स? तो सबसे पहले आपको मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो मटेरियल थिंग्स होती हैं, जैसे कि आप पिक्चर पर देख सकते हो, क्लोथिंग, बुक्स, कुकिंग यूटेंसिल, यानी कि जो चीज़ें हम देख सकते हैं, मशीन्स हो गई हैं। मशीन्स क्या है? हमारी डेली यूजेस में आती हैं, जो हमारे हम कह सकते हैं, जो हमारे वॉशिंग मशीन है, जो रेफ्रिजरेटर है, वो क्या है? मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जिसकी साइंस ने जिसको बनाया है। एंड नॉन मटेरियल थिंग्स क्या हैं? जिसको हम क्या कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे कस्टम्स, हमारा कल्चर्स, हमारे बिलीव्स, हमारे लैंग्वेज आइडियाज़, रूल, हमारे क्रिएटिव आइडियाज़ हो गए। ये सब चीज़ें जो हैं वो हैं नॉन मटेरियल थिंग्स, जिसको हम देख नहीं सकते।
ठीक है गाइस, जैसे मटेरियल्स और थिंग्स होती हैं भौतिकवादी चीज़ें, नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं अभौतिकवादी चीज़ें। जो साइंस है वो क्या है, एक आधार है मटेरियल थिंग्स का, उसको सिर्फ मटेरियल थिंग्स के बारे में पता है। जो साइंस है उसको नॉन मटेरियल थिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो अब हमारी सेकेंड लाइन देखिए, वी नो वट इज़ इट डूइंग विद रिगार्ड्स टू मटीरियल थिंग्स। हमें पता है कि जो साइंस है वो मटीरियल थिंग्स से लेकर क्या कर क्या रहा है, उस जो भौतिकवादी चीज़ें हैं उसके जो विषय में कर क्या रहा है। फॉर मटीरियल थिंग्स आर इट्स डेली बिजनेस, जो मटीरियल थिंग्स हैं उसके डेली के काम करने वाली चीज़ें हैं। हम भी जो करते हैं रोज मटीरियलिस्टिक थिंग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, हमारे घरों में देखिए हमने मशीन्स, हमारी स्ट्रीट में मशीन्स हैं, हमारी कंट्री में है, हमारी जो भी चीज़ें हम देखते हैं हमारे आसपास क्या है, सभी मशीन्स हैं, मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं। बट वट इज़ इट डूइंग विद रिगार्ड्स टू नॉन मटीरियल थिंग्स, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमारी नॉन मटीरियल थिंग्स हैं उनका क्या होगा, जो भौतिक चीज़ें उनका हम क्या करें। कि हम यहाँ आसपास देखते हैं सभी मटेरियलिस्टिक थिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, सभी आजकल लोग भी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, उनको नॉन मटेरियलिस्टिक का कुछ नहीं पता है, बस उनको अपने ही काम का पता है। हमें लग्जरी कार्स चाहिए, हमें लग्जरी घर चाहिए, हमारे पास ये हो वो हो सब उनको पता है। बट नॉन मटेरियल थिंग्स, उनके पास जो फीलिंग्स हैं, उनके बिलीव्स आइडियाज़, वो बहुत ज़्यादा अब तक कम हो चुके हैं। इफ़ द आंसर वर नथिंग एट ऑल दैट वुड बी बैड इनफ, बट द एक्चुअल आंसर इज लेस देन नथिंग। जो उसने पूछा है कि नॉन मटीरियल थिंग्स का कर क्या रहे हैं हम, तो उन्होंने आंसर दिया नथिंग एट ऑल। अगर आंसर होता कुछ भी नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा होता, बट जो वास्तव में आंसर है वो क्या है, लेस देन नथिंग, मतलब कुछ से कम नहीं। हेयर साइंस इज एक्चुअली डूइंग लेस देन नथिंग, और जो साइंस है वो सच में, वो वास्तव में ही कुछ से कम नहीं है। इट्स मटीरियल टीचिंग्स हैव बीन सो ओवर एम्फसाइज दैट मैनी पीपल्स आर फ्लंडरिंग एंड वंडरिंग वेदर आफ्टर ऑल मैन इज बट अ मशीन एनिमेटेड बाई फोर्सेज ओवर विच ही हैज़ नो कंट्रोल। यहाँ पे जो साइंस है वो सच में ही कुछ से कम नहीं है। जो उसकी मटेरियल टीचिंग्स हैं, जो उसके उपदेश हैं, उन्होंने लोगों को इतना ज़्यादा जोर दिया है साइंस ने, कि लोग इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग्स का यूज़ करने लगे हैं कि वो भटक चुके हैं, वो हैरान हो रहे हैं। आखिरकार जो व्यक्ति है, जो मैन है, वो भी हैरान हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। हम तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई हमें मशीन चला रही है एक शक्तियों के द्वारा, और जो वो शक्ति है वो हमारे पास भी उसका कंट्रोल नहीं है, उसका रिमोट कंट्रोल होता है ना, वो भी हमारे पास नहीं है। जो मशीन्स हमें जैसे कह रही है वैसे हम काम कर रहे हैं, वैसे हम क्या संचालित हो रहे हैं, बट जो उसका कंट्रोल है उसका रिमोट हमें नहीं पता वो कहाँ पे है। लेट्स रीड फर्दर। लेट्स कंसंट्रेट ऑन मटीरियल थिंग्स, द थिंग्स दैट फॉर्म द वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ साइंस। आओ हम अब भौतिक चीज़ों पर ध्यान दें, वो चीज़ें जो विज्ञान का केंद्र है, साइंस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लुक एट द मशीन फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर मशीनों को देखो। दिस इज़ द एज ऑफ द मशीन, ये जो युग है, ये जो एज है, ये मशीनों का एज है। मशीन्स आर एवरीवेयर, हर एक जगह पे आपको मशीन देखने को मिलेगी। इन द फील्ड्स, खेतों में, इन द फैक्ट्री, कारखानों में, इन द होम, घरों में, इन द स्ट्रीट, गलियों में, इन द सिटी, शहरों में, इन द कंट्री, एवरीवेयर, देश में, हर एक जगह पे, जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी आपको मशीन्स देखने को मिलेंगी। टू फ्लाई इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव विंग्स, देयर आर मशीन्स। उड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है पंख हों, उनके लिए मशीन्स हैं। टू स्विम अंडर द सी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव गिल्स, देयर आर मशीन्स। समुंदर के अंदर तैरने के लिए ज़रूरी नहीं है गिल्स हों, उनके लिए मशीन्स हैं। गिल्स क्या होते हैं, फिशेस का एक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन पार्ट है, उनके जो सांस लेने लेते हैं वो गिल्स के द्वारा लेती हैं जो फिशेस होती हैं। टू किल अवर फेलो मैन इन ओवर मेलिंग नंबर, देयर आर मशीन्स। अपने साथियों को भारी गिनती को मारने के लिए मशीन्स हैं। पेट्रोल मशीन्स अलोन प्रोवाइड 10 टाइम्स मोर पावर देन ऑल ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड।
अगर आप वर्ल्ड के सभी ह्यूमन बीइंग्स की जो पावर है उसको मर्ज कर लोगे, इसको इकट्ठा कर लोगे, तब भी जो पेट्रोल मशीन्स हैं वो अकेली 10 गुना पावर देगी, 10 गुना काम करेगी, शक्ति देगी। इन द बिजिएस्ट कंट्री ईच इंडिविजुअल हैज 600 ह्यूमन स्लेव्स इन हिज मशीन। जो सबसे ज़्यादा व्यस्त देश हैं उस देश में जो हर एक व्यक्ति है उसके पास मशीन के रूप में काम करने के लिए 600 गुलाम हैं, यानी कि 600 ह्यूमंस वर्क एज स्लेव्स। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस अबनॉर्मल पावर? ये जो असाधारण शक्ति है उसके नतीजे क्या निकलेंगे, उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा? कौन सी अबनॉर्मल पावर, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो अकेली पेट्रोल मशीन है वो 10 गुना ज़्यादा काम करती है, शक्ति देती है, जो बिजिएस्ट कंट्रीज हैं उसमें जो हर एक व्यक्ति 600 गुलाम रखे हुए हैं उसने मशीन के रूप में काम करने के लिए, ये क्या है? एक अबनॉर्मल पावर है। इसके नतीजे क्या निकलेंगे, रिजल्ट क्या निकलेंगे? बिफोर द वार इट लुक्ड एज दो इट माइट बी पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री टू प्रोवाइड फूड एंड क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर द टीमिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। बिफोर वॉर, यानी कि वॉर से पहले ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल होगा कि हिस्ट्री में पहली बार कि इतनी जो आबादी है, इतनी टीमिंग पॉपुलेशन है, उसमें हर एक मैन वुमेन और चाइल्ड को उनके बेसिक नीड्स मिलेंगे, यानी कि उनको फूड, शेल्टर और क्लोथिंग उनको मिलेगी। दिस वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रायंफ ऑफ साइंस। यही होगी साइंस की सबसे बड़ी जीत, अगर जो पॉपुलेशन है उनको उनके बेसिक नीड्स मिले तो। एंड येट मैनी अ टाइम स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर वी हैव सीन द वर्ल्ड क्रैम्ड ऑफ फूड्स एंड पीपल हंग्री। पर फिर भी हमने बहुत बार देखा है, खास दौरान, किसके दौरान, युद्ध के दौरान हमने कई बार देखा है कि भोजन के भरे हुए भंडार पड़े हैं और लोग दूसरी तरफ भूखे बैठे हैं। फॉर दैट्स द वे ऑफ साइंस एंड द मशीन एज। और क्यों ऐसा? क्योंकि यही तरीका है साइंस का भी और मशीन एज का भी। साइंस प्रोड्यूस द गुड्स, साइंस को गुड्स बनाने आते हैं, उसका उत्पादन करना आता है, मेक द गुड्स, वो बनाते हैं गुड्स, बट हैज़ नो कंट्रोल ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, बट उनके पास इनके जो नतीजे हैं, इनके जो परिणाम हैं उस पर कोई काबू नहीं है। उनको सिर्फ काम करना है, मतलब उनको सिर्फ बनाना है, बेचना है, बट उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसका उनको कुछ नहीं पता। उनके पास खुद का ही उसका सोल्यूशन नहीं है, खुद का ही उनके पास कंट्रोल नहीं है साइंस के पास इन जो प्रोड्यूस करते हैं सामान का। द मशीन एज गिव्स अस ईयर बाय ईयर मोर आवर्स ऑफ लेजर बट इट फेल्स टू टीच अस हाउ टू यूज़ देम। मशीनी युग ने हमें साल दर साल ज़्यादा से ज़्यादा आराम के घंटे दिए हैं बट इट फेल टू टीच अस हाउ टू यूज़ देम, परंतु वो हमें ये सिखाना भूल गए कि हम इन जो फुर्सत के पल हैं उनको कैसे यूज़ करें, उनका कैसे इस्तेमाल करें। इट गिव्स अस मैकेनिकल हैबिट्स ऑफ माइंड। ये जो साइंस है इसने हमारे दिमाग को मैकेनिकल हैबिट्स प्रदान किए हैं, यानी कि जो मशीनें जैसे आदतें होती हैं वो हमें दी हैं। एंड रिप्रेस द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और जो हमारी साहस की भावनाएं हैं, जो स्पिरिट है, वो साइंस ने दबा दी है। एक्सेप्ट अलोंग मशीन मैन लाइंस, सभी भावना को दबा दिया है एक भावना को छोड़ के। कौन सी भावना को छोड़ के? मशीन मेड लाइंस, यानी कि मशीन से साथ काम करने वाली जो भावनाएं हैं उसको छोड़ के सभी भावनाओं को साइंस ने दबा दिया है। वी विल नीड ऑल अवर क्रिएटिव पार्ट्स टू थिंक अवर वे आउट ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स विच साइंस हैज़ क्रिएटेड फॉर अस। हमें अपनी रचनात्मक शक्तियाँ, यानी कि जो हमारी क्रिएटिव पावर्स हैं, उसका यूज़ करके ये सोचना होगा कि हम जो सोशल प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें जो साइंस ने हमारे लिए
क्रिएट किए हैं। इट इज साइंस दैट हैज़ गिवन अस द अनएक्सपेक्टेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ग्रुप। ये साइंस ही है जिसने हमें एज ग्रुप का अनएक्सपेक्टेड रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रदान किया है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर सम मॉडर्न ड्रग एड्स अ लिटल मोर टू द एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ अंटिल द अपर ग्रुप इज ओवरक्राउडेड। लगभग हर साल कोई ना कोई मॉडर्न ड्रग मार्केट में आती है जो जीवन की एवरेज को, जो कि जीवन की औसत अवधि है, उसको बढ़ा देती है, जिससे अपर एज ग्रुप की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इन द US फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर अगर US को देखा जाए, देयर आर ऑलरेडी 9 मिलियन पीपल ओवर द एज ऑफ 60। वहाँ पर पहले से ही अबव 60 के 9 मिलियन लोग हैं। दिस टॉक वॉज डिलीवर्ड अराउंड द 1950s। ये बात 1950 में कही गई थी। इन 15 ईयर्स टाइम दिस नंबर विल रीच द एस्टोनिशिंग फिगर ऑफ 45 मिलियन। ये जो आंकड़ा है 9 मिलियन का, 15 सालों में ये जो आंकड़ा है 9 मिलियन से 45 मिलियन तक पहुंचेगा, ये जो कि हैरानी करने वाला आंकड़ा है। हु इज़ टू कीप देम, ये जो एज ग्रुप है 60 के अबव, उनको रखेगा कौन, उनका ध्यान कौन रखेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा। इट विल नीड सम रीएडजस्टमेंट, इसके लिए कुछ नए प्रबंध करने की ज़रूरत है। एंड सो साइंस गोज ऑन रेजिंग इट्स प्रॉब्लम, और इसी तरह से साइंस प्रॉब्लम्स को पैदा कर रहा है। कंपेयर्ड विद अवर फंडामेंटल क्वेश्चन व्हाट इज लाइफ, हमारा मौलिक प्रश्न है व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। दीज प्रॉब्लम्स मे सीम टू बी ऑफ लेस इम्पोर्टेंस, ये जो प्रॉब्लम्स हैं देखने में तो कम महत्वपूर्ण लगती हैं, बट दे आर नॉट रियली, बट वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। वट इज़ हैपनिंग इज़ दैट साइंस इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फास्टर देन दे कैन बी सोल्व्ड। वो कह रहे हैं कि आखिरकार साइंस में हो क्या रहा है, जो साइंस है वो प्रॉब्लम्स बहुत ही फास्टर क्रिएट कर रहा है, जबकि उसके सोल्यूशन इतनी फास्ट नहीं निकल पा रहे हैं। मैन इज स्ट्रगलिंग इन अ सॉर्ट ऑफ वाइजर सर्कल, ऑलवेज स्ट्राइविंग टू कैच अप एंड नेवर गेट नियरर। जो मैन है वो स्ट्रगल कर रहा है एक दुष्चक्कर में, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, वो उस चक्कर में फंसा हुआ है और संघर्ष करे जा रहा है, अपनी पूरी कोशिश कर रहा है वहाँ से निकलने की, बट क्या है वो उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि वो उससे बाहर और की निकल ही नहीं पा रहा है, उसके नज़दीक ही नहीं जा पा रहा है। And there are no sign that the glut of discovery is coming to an end। और हमारे पास ऐसा कोई संकेत नहीं आया कि जो हमारी इतनी भारी मात्रा में डिस्कवरीज हो रही हैं उसका अंत होगा। War is the worst example। वार है जो सबसे ख़राब उदाहरण है। Science has pushed it so far forward that ethics and morals आर फ्लंडरिंग होपलेसली बिहाइंड। साइंस ने इतना आगे धकेल दिया है कि जो हमारे एथिक्स हैं, आचार विचार हैं, हमारे मॉरल्स हैं, नैतिकता है, वो पीछे निराशजनक रूप से भटक रही है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। सभी मटीरियलिस्टिक थिंग्स के आगे भाग रहे हैं और नॉन मटीरियल थिंग्स के बारे में कोई कुछ बात नहीं करता है। इट मेक्स वन सम टाइम आस्क वट इज़ साइंस रियली आफ्टर, कभी कभी व्यक्ति पूछता है कि वास्तव में विज्ञान क्या है। वट आर इट्स एम, इसके उद्देश्य क्या हैं। वट इज़ इट्स गोल, इसके लक्ष्य क्या हैं। इट्स एम सीम्स टू बी ऑब्वियस, इसके जो एम्स हैं वो स्पष्ट लगते हैं। दे आर मटीरियल ऑफकोर्स, इसके जो उद्देश्य हैं वो मटीरियलिस्टिक लगते हैं, क्योंकि जो साइंस है उसका आधार ही मटीरियलिस्टिक है। वन नेम इज़ द कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग, इंडीड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैंस इन्वायरमेंट, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एवरीथिंग मटीरियल बिग और स्मॉल, ब्रिंगिंग ऑल पावर्स विद इन मैन रीच। इनका पहला एम तो है पूरी समझ, वास्तव में विजय यानी कि जीत,
व्यक्ति के इन्वायरमेंट के ऊपर जीत, व्यक्ति की जो भी मटेरियल सामग्री या मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उस पर जीत, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो सभी पावर्स को लाना जो व्यक्ति की पहुंच तक हो। द अदर एम इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द मिस्ट्रीज दैट लाइज विद इन द ह्यूमन बॉडी, द मटेरियल मिस्ट्रीज, द इन्यूमरेबल केमिकल एंड फिजिकल एक्शंस दैट मेक द बॉडी वर्क। दूसरा एम क्या है कि उन सभी रहस्य को समझना जो ह्यूमन बॉडी के भीतर हैं। कौन कौन से वो रहस्य हैं? मटेरियल मिस्ट्रीज, इन्यूमरेबल केमिकल और फिजिकल एक्शंस। ये तीनों ही चीज़ें हैं जो व्यक्ति के शरीर को चलाने में मदद करती हैं। इफ दीज आर द अपेरेंट एम्स ऑफ साइंस, श्योरली दे कैन नॉट रिप्रेजेंट द अल्टीमेट गोल। अगर ये साइंस के स्पष्ट उद्देश्य हैं, ये तो पक्का है कि ये साइंस के अंतिम उद्देश्य नहीं होंगे। द अल्टीमेट गोल, इफ देयर इज सच अ थिंग, अगर ये अंतिम उद्देश्य होते भी हैं तो मस्ट बी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी थिंग दैट मेक्स लाइफ वर्थवेल, तो उन सभी चीज़ों की समझ होनी चाहिए जो लाइफ को सार्थक बनाती है। द इनरिचमेंट ऑफ ऑल दैट लाइफ मीन्स लाइफ के सभी साधन समृद्ध होने चाहिए। दैट गोस बियॉन्ड मटीरियल थिंग्स, पर ये मटीरियल थिंग्स के परे है। फॉर मैन नीड्स मोर देन फूड एंड शेल्टर एंड क्लोथिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट गोज ऑन विद इन हिज स्टमक। बट क्यों ऐसा? क्योंकि व्यक्ति को अपनी बेसिक नीड्स से ज़्यादा भी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी उसको ज़रूरत है, यानी कि उसको फूड शेल्टर और क्लोथिंग से ज़्यादा और एक ऐसी चीज़ है जिसकी उसको नीड है। वो क्या चीज़ है? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट गोज ऑन विद इन स्टमक, उसके स्टमक में क्या चल रहा है उसकी समझ होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत है, ना कि उसको बेसिक नीड्स की ज़रूरत है। वट इज़ रियली नीडेड इन द वर्ल्ड टूडे, आज जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो असल में चाहती क्या है? परहैप्स मोर देन इवन बिफोर, शायद पहले से कुछ ज़्यादा। इज नॉट सम न्यू वर्ल्ड शेटरिंग डिस्कवरी इन न्यूक्लियर फिजिक और सम ब्रीथ टेकिंग डिस्कवरी इन केमिस्ट्री और मेडिसन। जो दुनिया है वो शायद पहले से कुछ ज़्यादा चाहती है, पर वो ऐसी डिस्कवरी नहीं चाहती न्यूक्लियर फिजिक्स में जो वर्ल्ड को बिखेर दे, तोड़ दे, और सम ब्रीथ टेकिंग डिस्कवरी, और ऐसी डिस्कवरी, कोई सांस लेने वाली डिस्कवरी केमिस्ट्री और मेडिसन में। वो क्या चाहती है? द एडवांस फॉर वच द वर्ल्ड इज़ वेटिंग, जो एडवांस में पहले से जो वेट कर रही है वो क्या चीज़ है? बियॉन्ड एनी डाउट, बिना किसी संदेह के, इज़ अ स्मॉल एडवांस, अ स्लाइट एडवांस, एक छोटी सी एडवांस में वो एक वेट कर रही है चीज़ की, थोड़ा सा एडवांस है। किस चीज़ का वेट कर रही है? चैरिटी, दान पुण्य, इन अंडरस्टैंडिंग, समझ, फॉरबियरेंस, धीरज, टॉलरेंस, सहनशीलता, जस्टिस, न्याय एंड मर्सी, दया। दैट इज़ वट द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर एंड वेटिंग रेदर अनएग्जिस्टली। यही चीज़ें हैं जो आज के समय में दुनिया इंतज़ार कर रही है, और बड़े ही उत्साह से इंतज़ार कर रही है। उसे कुछ भी डिस्कवरी नहीं चाहिए, उसे नॉन मटीरियलिक थिंग्स चाहिए, ना कि मटीरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए। बट चैरिटी एंड टॉलरेंस एंड फॉरबियरेंस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन अनदर आर नॉन मटीरियल मैटर्स। बट जो चैरिटी है, दान, टॉलरेंस, सहनशीलता है, फॉरबियरेंस है, एक दूसरे की समझ है, ये सब क्या है? नॉन मटीरियल मैटर्स हैं। एंड इन नॉन मटीरियल थिंग्स, इन द सिंपलेस्ट सोशल थिंग्स, साइंस हैज़ बीन हेल्पलेस। और जो अभौतिकवाद चीज़ें हैं, नॉन मटीरियल थिंग्स हैं, जो कि साधारण सामाजिक चीज़ें हैं, उसमें साइंस क्या है? हेल्पलेस है। इट कैन नॉट इवन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम इवल, वो तो इतना ज़्यादा हेल्पलेस है कि वो अच्छा और बुरा में भी अंतर नहीं कर पाता है साइंस। मे बी दिस विल नॉट ऑलवेज बी सो, हो सकता है ये ऐसा हमेशा ना हो, हु नोस, कौन जानता है। इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल दैट सम डे साइंस विल अफेक्ट ऑन इम्प्रूवमेंट इन द ह्यूमन ब्रेन इट्सेल्फ। ये काफ़ी संभावना है कि किसी दिन जो साइंस है, ह्यूमन ब्रेन के जो इम्प्रूवमेंट है उसमें कोई प्रभाव डाले।
नॉट अ स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट, कोई संरचना में इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई उसके दिमाग की बनावट में कोई सुधार नहीं। फॉर इन स्ट्रक्चर द ह्यूमन ब्रेन इज़ द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ ऑल, संरचना में तो उसकी जो बनावट है ह्यूमन ब्रेन की वो एक सबसे बड़ा चमत्कार अपने आप में। इट्स अंडरस्टैंडिंग विल कम लास्ट, जिसकी समझ अंत में आती है। बट देयर माइट वेल बी अ फंक्शनल इम्प्रूवमेंट, पर हाँ इसमें जो दिमाग में कुछ फंक्शनल इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो सकती है। दैट इज़ फार फ्रॉम फैंटेस्टिक, जो कि बहुत शानदार है। द एडवांसेस इन साइंस माइट वन डे वेल इंक्रीज द कैपेसिटी एंड रीजनिंग पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ये जो साइंस में प्रोग्रेस हो रही है, जो उन्नति हो रही है, उससे लगता है कि एक दिन जो साइंस है वो ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है, जो रीजनिंग पावर है, उसको इंक्रीज करेगी। आई शुड से देयर इज अ लिटल डाउट दैट मैन विल वन डे इम्प्रूव ऑन द नेचुरल मैन, रेज हिज इंटेलेक्चुअल स्टेटस एंड गिव हिमसेल्फ ग्रेटर पावर ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें राइटर खुद कह रहा है, तो वो क्या कह रहा है, आई शुड से, मैं कहना चाहूँगा, देयर इज़ अ लिटल डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट मैन विल वन डे इम्प्रूव ऑन द नेचुरल मैन, कि जो मनुष्य है वो अपने स्वाभाविक रूप से बेहतर बन जाएगा। एंड रेज हिज इंटेलेक्चुअल स्टेटस, उसकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो उसकी बौद्धिक स्थिति है, वो बढ़ जाएगी। एंड गिव हिमसेल्फ ग्रेटर पावर ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और खुद अपने आप को वो रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग की शक्ति प्रदान करेगा। ही माइट हैव सफिशियंट रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग टू अबोलिश वार, हो सकता है कि उसमें एक पर्याप्त कारण हो, पर्याप्त समझ आ जाए, ताकि वो युद्ध को ख़त्म कर सके। वेदर दैट विल बी सो, क्या ऐसा होगा, वेदर एंड वेन ही विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज फेलो मैन, यानी कि साथी, कब और क्या उसमें अपने साथी के प्रति एक अच्छी समझ आएगी। दैट रिमेन टू बी सीन, ये देखना भी बाकी है। इट ब्रिंग्स अस बैक टू द क्वेश्चन, वेयर इज साइंस टेकिंग अस। इसी के साथ हम दोबारा उसी प्रश्न पे आ गए कि जो साइंस है वो हमें कहाँ ले जा रही है। डिस्पाइट द प्रेजेंट वसिस्टिट्यूट्स वी आर गोइंग समवेयर, आज के समय में जो भी इतने सारे उतार चढ़ाव के बावजूद हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। देयर आर ट्रबलसम टाइम अहेड, आगे जो आने वाला समय है वो कष्टमय समय है। बट दोज हु फियर फॉर द फ्यूचर आर द क्रेवन कोवार्डली इन स्पिरिट, बट जो फ्यूचर से डर गया वो आत्मा से भी डरपोक होता है। फॉर लाइफ इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, इंट्रिगिंग एंड एक्साइटिंग, क्योंकि जो लाइफ होती है बहुत ही दिलचस्प, पेचीदा और रोमांचक होती है। आई विश आई हैड अनदर 100 ईयर्स, काश मेरे पास और 100 साल होते। सो गाइस, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, वेयर इज साइंस टेकिंग अस। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सद्गुरु इंस्टीट्यूट।